Hello everyone, welcome back to PTSST class, class 6. In this video lecture, we will discuss the chapter 3 of history. The name of the chapter is Neolithic Farmers and Herders. Before this chapter, we have completed the chapter 3 of geography and chapter 2 of history, early humans. हिस्ट्री में इस चैप्टर से पहले हमने फिनिश किया था चैप्टर 2 जिसका नाम था अर्ली ह्यूमंस। इस चैप्टर में हमने देखा था कि किस प्रकार से जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनका धीरे धीरे कई एजेस में डेवलपमेंट हुआ। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग नवपाषाणकालीन किसान और हर्डर्स यानी कि जो पशुपालक हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो नियोलिथिक का मतलब मैंने बताया था आपको नवपाषाणकाल, या जिसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं न्यू स्टोन एज, मतलब नवपाषाणकालीन जो किसान हैं उनके बारे में और जो हर्डर्स हैं पशुपालक हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर फ्रॉम पैराग्राफ फर्स्ट। द मेसोलिथिक एज वाज फॉलोड बाय, जो मेसोलिथिक एज है वो किसके बाद आती है, मेसोलिथिक एज के बाद न्यूलिथिक एज आती है जिसको न्यू स्टोन एज के नाम से भी जाना जा सकता है। इट स्टार्टेड इन अबाउट 10,000 BCE, और ये जो ये है जो न्यूलिथिक एज है वो लगभग 10,000 BCE पहले स्टार्ट हुई थी। दिस पीरियड मार्क्ड कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब चेंज। दिस पीरियड मार्क्ड कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अर्ली ह्यूमंस फ्रॉम हंटर्स एंड फूड गैदरर्स टू फार्मर्स एंड फूड प्रोड्यूसर्स। और इस पीरियड के दौरान जो पूरा चेंज हुआ ह्यूमन बीइंग्स में, जो पूरा परिवर्तन हुआ जिससे कि जो हंटर्स थे ह्यूमन बीइंग्स, जो फूड गैदरर्स थे यानी कि जो भोजन को एकत्रित करते थे घुमंतु थे, और क्या थे हंटर्स शिकारी थे, उनके बाद जो उनका चेंज हुआ फार्मर्स के रूप में और फूड प्रोड्यूसर्स के रूप में यानी कि अब वो फूड को प्रोड्यूस करना सीख चुके थे। Practices of farming and domestication of animals were the major factors that accounted for this transformation. इन दोनों में ही जो main important factors हैं वो हैं क्या, आपके practice of farming and domestication यानी कि खेती करना और जानवरों को पालना। domestication का क्या मतलब होता है, पालना यानी कि domesticate करना animals को, जानवरों को पालना। तो इन दोनों ही फैक्टर्स की इम्पॉर्टेंट रोल था किसमें, ह्यूमन डेवलपमेंट में। नाउ नेक्स्ट फार्मिंग, खेती कृषि के बारे में हम पढ़ेंगे। इट वाज ड्यूरिंग द न्यूलिथिक एज दैट फार्मिंग बिगेन ऑन एन एक्सटेंसिव स्केल। अब नवपाषाण काल में जो कृषि थी वो बहुत ही उच्च स्तर पर पहुंच चुकी थी। वीट एंड वार्ले, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, वीट एंड वार्ले वर द फर्स्ट सीरियल्स ग्रोन इन द न्यूलिथिक एज। और नवपाषाण काल में सबसे पहले जो अनाज उगाए गए थे उनमें गेहूं और जौ थे। वीट मीन्स गेहूं और वार्ले मीन्स जौ। स्टोन सिकल्स यानी कि लोहे के हसिए जो होते हैं, आप मुझे पता नहीं आप लोग सिकल्स को क्या बोलते हैं, बस मैं हसिए बोलती हूँ, आप लोग शायद दांतड़ी वगैरह बोलते होंगे अपनी लैंग्वेज में, तो आप देख लीजिए सिकल्स का मतलब हसिए होते हैं। स्टोन सिकल्स फाउंड एट सेवरल न्यूलिथिक साइट्स सजेस्ट दैट दीज माइट हैव बीन यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स। अब जो न्यूलिथिक साइट्स से, जो न्यूलिथिक साइट्स का मतलब होता है नवपाषाणकालीन स्थल, जो नवपाषाणकालीन स्थल हैं वहाँ से पत्थर से बने हुए सिकल्स मिले हैं, हसिए मिले हैं, जो लोग फसल को काटने के लिए, क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने के लिए, क्रॉप हार्वेस्ट का मतलब फसल काटना, उनमें यूज लेते थे। तो इससे पता चलता है कि लोग अनाज को उगाना भी जानते थे। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, हैविंग लर्न द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग पीपल बिगेन टू लीड अ सेटल्ड लाइफ। और जैसे ही लोगों को कृषि करना सीख गए, जैसे ही लोग कृषि करना सीख गए वैसे ही उन्होंने लाइफ को सेटल कर लिया, मतलब वो एक जगह रहना सीख गए। नाउ नेक्स्ट, द अर्ली ह्यूमंस लिव्ड वेरी क्लोज टू नेचर। पहले के जो लोग थे, पहले का जो मानव था वो प्रकृति के ज़्यादा करीब रहता था। एज द क्लाइमेटिक कंडीशंस बिकेम
favorable for the growth of plants and trees, they were able to watch them grow. और जैसे ही जो क्लाइमेटिक कंडीशंस थी, जो जलवायु स्थितियाँ थी, वो पौधे और जो पेड़ थे उनके पक्ष में आई, दे वर एबल टू वॉच देम ग्रो. तो उन्होंने देखा कि किस प्रकार से जो प्लांट्स और ट्रीज हैं वो बड़े हो रहे हैं. उन्होंने अपने सामने पौधों और पेड़ों को बड़े होते हुए देखा क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से. दे वर दस एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड, और इस प्रकार से वो अपना खुद का फूड अब प्रोड्यूस करना सीख चुके थे, उसके योग्य हो चुके थे कि वो खुद का फूड क्या कर सके, ग्रो कर सके, प्रोड्यूस कर सके. रेगुलर एंड एक्सटेंसिव प्रैक्टिस ऑफ, अब जो रेगुलर और एक्सटेंसिव प्रैक्टिस थी फार्मिंग की, उसने नियोलिथिक पीपल को सेडेंट्री और सेटल्ड लाइफ के रूप में सेटल होना सिखाया. मतलब रेगुलर लगातार किसकी प्रैक्टिस करना, कृषि की प्रैक्टिस करना. जो नपाषाणकालीन लोग थे इससे उनका जो जीवन था, उनकी जो लाइफ थी वो सेटल हो गई. इट वाज ओनली आफ्टर सेटलिंग डाउन एट ए सर्टेन प्लेस एंड स्टेइंग देयर फॉर ए लॉन्ग पीरियड दैट दे कुड प्लो द सॉइल. अब इससे क्या होता था, जो लोग थे वो इट वॉज ओनली आफ्टर सेटलिंग डाउन, और सेटल डाउन होने के बाद ही, एक निश्चित जगह पर, सर्टेन प्लेस पर सेटल होने के बाद और वहाँ स्टे करके लंबे समय तक रुक करके, दे कुड प्लो द सॉयल, वो मिट्टी को प्लो करने लगे. प्लो का मतलब जोतना और सॉयल का मतलब मिट्टी, आप लोग जानते ही हो. सो सीड्स, उस मिट्टी को जोत करके उसमें सीड बोना. सो सीड का मतलब बीजों को बोना. ग्रो क्रॉप्स, फसल उगाना, हार्वेस्ट देम और फिर उसको काट लेना, ये सारी एक्टिविटीज़ लोग एक जगह पर सेटल होकर वहाँ रुक करके करने लगे. नाउ नेक्स्ट, द प्लेसेस वेयर पीपल सेटल डाउन, अब जो स्थान जहाँ पर वो लोग सेट हुए, वर मोस्टली लोकेटेड क्लोज टू रिवर. वो कहाँ लोकेटेड होते थे, कहाँ स्थित होते थे, नदियों के पास, लेक्स यानी कि झीलों के पास, जहाँ पर उनको वाटर अवेलेबल होता था, ईजिली अवेलेबल होता था, वहाँ पर वो सेटल होते थे. एट दीज प्लेसेस वाटर वॉज अवेलेबल रेगुलरली एंड इन ए ला इन रेगुलरली इन एंड इन लार्ज क्वान्टिटी. बहुत ही बड़ी मात्रा में पानी अवेलेबल होता था वहाँ, जिससे कि वो इरीगेशन कर सकें, कृषि कर सकें, अपने कृषि में सिंचाई कर सकें, एंड अदर पर्पजेज और दूसरे पर्पज भी उनके पूरे हो सकें. इसलिए वो कहाँ रहते थे, रिवर्स और लेक्स के पास रहते थे. डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, अब जो नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. इस हेडिंग को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही काफ़ी है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. कीप रीडिंग द चैप्टर.